सुंदरकांड का पाठ करने से क्या लाभ होता है और इसको करने की सही विधि क्या है। सुंदरकांड के पाठ के विभिन्न लाभ होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। सुंदरकांड के पाठ से प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की कृपा जल्द ही होने लगती है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से समस्त ग्रह कलेश और नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं। यह साधारण सा दिखने वाला सुंदरकांड बहुत ही असाधारण फल देने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से जहां आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है, वहीं दूसरी ओर शारीरिक बल और बुद्धि भी बढ़ती है। सुंदरकांड का पाठ करने से समस्त भय दूर हो जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ कैसे करें? तो इसका उत्तर है, सुंदरकांड पाठ करने के लिए विभिन्न बातें ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। शुद्धता का ध्यान रखना। आप जब भी सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि आपका शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना अति आवश्यक है। दूसरी ओर, आप जिस स्थान पर सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं उस स्थान की शुद्धता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम स्वयं को और अपने आसपास के स्थान को पूर्ण शुद्ध कर लें। वस्त्र, आप साफ और स्वच्छ वस्त्र को ही धारण करें। यदि आप अकेले ही इस पाठ को कर रहे हैं तो अपने आसन को अलग रखें। आप घी अथवा तेल का दीपक भी जला सकते हैं और साथ ही सुगंधित धूप भी लगा सकते हैं। आपको हनुमान जी के तस्वीर के साथ भगवान श्री राम की तस्वीर भी लगानी चाहिए। इसके बाद पुष्प की माला भी अर्पित करें। प्रसाद में लड्डू अथवा गुड़ और चने का प्रसाद भी लगा सकते हैं, इसके अलावा जो भी संभव हो। सुंदरकांड का पाठ पूर्ण करने के बाद ही उठना चाहिए। यदि कोई गलती हो जाए तो प्रभु से क्षमा याचना कर लें। सुंदरकांड पाठ के बाद प्रभु श्री राम की स्तुति भी अवश्य करनी चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।